बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर सिक्योरिटी दी है, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस ने किंग खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि शाहरुख खान को उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता से असंतुष्ट लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। ये दावा किया गया है कि शाहरुख ने खुद इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। इस वाई प्लस सिक्योरिटी के अंडर 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 पुलिसकर्मी वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख के साथ रहेंगे। बता दें कि वैसे अब तक शाहरुख खान की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के 2 कांस्टेबल हर पल उनके साथ मौजूद रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के पास MP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्टल होगी। पुलिस ने बताया कि खान के बंगले पर भी हर समय 4 पुलिसकर्मी वेपन्स के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शाहरुख इस वाई प्लस सिक्योरिटी के पैसे खुद देने वाले हैं। वहीं शाहरुख की यह वाई प्लस सिक्योरिटी तब तक हो रहेगी जब तक कमेटी खतरे का रिव्यू नहीं कर लेती। किंग खान को जान से मारने की धमकी पहली बार नहीं, बल्कि पहले भी बहुत बार इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में आई शाहरुख खान की पठान फिल्म पर भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। तब अयोध्या के साधु संत भी इस फिल्म के विरोध में थे। तभी अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किंग खान को जिंदा जला देने की धमकी भी दी थी।